साहब स्वागत है आपका, बताएं सर अपडेट। पहले तो अपडेट अनिल जी, डीएलएफ कल एचडीएफसी, एलएनटी फाइनेंस, टाटा स्टील, सेल, जिंदल, हिंदुस्तान कॉपर, मेम्फसिस, एलएनटी, एलटीटीएस और आज सुबह 25-30 पैसे में आइडिया दिया, 55-60 बिक गया। अगर शेयर लिया था तो 10-80 वाला 11-55 बिक गया। इसे कहते हैं ट्रेडिंग कॉल। जब आपके पास थोड़ी सी गुंजाइश हो रिस्क की तो रिस्क लेने का ही मौका होता है। आपको लास्ट वीक से कह रहा था लीजिए 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 और अब देखिए बैंक्स एंड द क्रेडिट पॉलिसी इज ऑल इन फेवर। अब आपके लिए फिर से दो बायस हैं जो मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं। बताएं सर प्लीज। तो देखिए मैं एक चीज तो कन्विंस्ड हूं कि जो साइकिल आ रहा है आज, हाँ पिरामल एंटरप्राइज आपको मैंने 2440 में कहा था, 2535 बिक गया और गाइडेंस और उनकी क्वालिटी बहुत प्रॉब्लम है। तो क्वालिटी रियल इस्टेट इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। तो रिएट्रेट बाय गोदरेज प्रॉपर्टी 1575, स्टॉप लॉस ऑफ 1540, टारगेट 1650। ये जाएगा तो 2000 लेकिन पहले 1650 का आपको मजा लीजिए दो दिन के बाद। दूसरा लीजिए अनडाउटेडली द अंडर परफॉर्मर विच कैन बी एन आउट परफॉर्मर बिकॉज ऑफ बीएफएसआई स्पेस डूइंग वेरी वेल, विप्रो 572-573 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 561, टारगेट ऑफ 598-600। ओके, तो दो स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय, गोदरेज प्रॉपर्टीज और विप्रो, ये दोनों ही स्टॉक पसंद है। बस इन साहब को आइए, रियल एस्टेट शेयरों में एक बार फिर से तेजी बनती हुई दिख रही है इस वक्त।